क्या बात है, जबरदस्त। ओ हो, यहाँ पे रिब्स तैयार होके आ गई है, माशाल्लाह तबारक अल्लाह। अगर आपका डेली रिब्स खाने का मूड है, आप डेली आए, डेली रिब्स खाएं हमारे पास डिनर में, और जितने मर्जी खाएं, मजे की बात है। अभी हम लोग जा रहे हैं जद्दा, जद्दा में जाके हम लोगों ने बारबेक्यू टुनाइट ट्राई करना है और वहाँ पर खाना वाना खाना है। खास तौर पे बारबेक्यू टुनाइट वाले क्लेम करते हैं कि जितने में वो बूफे देते हैं, इतने में इतनी आइटम्स कोई नहीं देता। सब कुछ जाके ट्राई करेंगे और खाएंगे, आपको रिव्यू देंगे। तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु, मैं हूं अब्दुल मालिक फरीद और आपको एक और जद्दा के व्लॉग में खुश आमदीद। I'm celebrating this beautiful day. You have chosen us for this beautiful day. I'm really thankful to you for wonderful day. चलें जी, यहाँ पर फ्लामिंगो मॉल, जिसका नाम तब्दील करके फ्लामिंगो पार्क रख दिया हुआ है, यहाँ पर मैं पहुँच चुका हूँ। ये जद्दा में अजीज़िया में ही है, जो कि बहुत ज़्यादा पाकिस्तानियों के हिसाब से फेमस है, पाकिस्तानी इंडियंस लोग होते हैं यहाँ पर जद्दा में अजीज़िया में। तो ये मॉल भी वहीं पर है और इस मॉल के फूड कोर्ट में ये बारबेक्यू टुनाइट है, और बारबेक्यू टुनाइट के सामने ही बच्चों का प्लेइंग एरिया है। वैसे इस फ्लोर के ऊपर अबाया वगैरह की शॉप्स वगैरह हैं और साथ साथ फूड कोर्ट है। तो आप फूड कोर्ट में आ गए हैं और फूड कोर्ट में सबसे बड़ा रेस्टोरेंट जो है वो बारबेक्यू टुनाइट ही है। सिर्फ भैया अलबेक है और वो सामने है बारबेक्यू टुनाइट। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं काजिम भाई? ठीक ठाक, खुश, जबरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारे काजिम भाई हैं और ये मैनेजर होते हैं यहाँ पर जद्दा बारबेक्यू टुनाइट। चलें, हमें थोड़ा सा बताएं बारबेक्यू टुनाइट के बारे में, कोई टूर वगैरह दें। जी जी बिल्कुल, ये आ जाएं। ये जो हमारे पास पार्टी हॉल है, ठीक है, इसके अंदर नॉर्मली अगर आपने जो है ऑफिस की मीटिंग्स करनी है, मीटिंग करने के बाद जो है आप यहीं पे जो है अपना बुफे एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है ना, और यहाँ पे शादी भी आप सेलिब्रेट कर सकते हैं, निकाह सेरेमनी कर सकते हैं, बर्थडे सेलिब्रेट करनी है तो वो भी हो सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास दो बड़े पार्टी हॉल्स हैं जिसके अंदर आप सारी चीज़ें जो है ना ईजिली सेलिब्रेट कर सकते हैं। अच्छा, इसकी प्री बुकिंग करवानी पड़ती है हॉल की? जी जी, प्री बुकिंग करा। ठीक 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 है। और दूसरा ये हॉल है सेम फंक्शन के लिए डेकोरेशन वगैरह भी जो है, फॉर एग्जांपल आपकी बर्थडे पार्टी है तो उसके हिसाब से आप डेकोरेशन भी करवा सकते हैं, हम भी आपको करते दे सकते हैं, और रेगुलर ये इवेंट्स यहाँ पे होते रहे। अब ये मेन एरिया है, ठीक, ये मेन एरिया या नॉर्मली यहाँ पे जो हमारे वॉकिंग कस्टमर्स आते हैं जी, वीकडेज के अंदर उनके लिए ये पूरा एरिया है, ठीक है, जहाँ पे आप फैमिली के साथ बैठ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा बुफे लगा हुआ है, इसको आप जो है अपना लंच और डिनर इंजॉय कर सकते हैं। आपको दूसरी सारी चीज़ें दिखाने से पहले थोड़ा सा किचन विजिट करते हैं, किचन में देखें क्या क्या बन रहा है, क्योंकि आपको पता है हमारी इंटरेस्ट की चीज़ वहीं पर ही बनती है, तो सफाई का खास ख्याल। चलें जी। अच्छा जी, यहाँ पर किचन में आते ही सबसे पहले इस तरफ बारबेक्यू बन रहा होता है, यहाँ पर माशाल्लाह बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में ना बारबेक्यू बन रहा है। सर, ये कौन कौन सी चीज़ें बननी है? ये रेशमी कबाब है, ठीक है, चिकन रेशमी कबाब, चिकन रेशमी कबाब, ठीक, बीफ पिशावरी कबाब, मटन चाप है, या मटन वेज, चिकन शाश्लिक है, फिश टिक्का है, जबरदस्त, माशाल्लाह। क्या लेके जा रहे हैं भाई? कढ़ाई, चिकन कढ़ाई, क्या बात, जबरदस्त, माशाल्लाह। इस तरफ रोटी नान बना रहे हैं या रोटी बना रहे हैं? सर, रोगनी नान है, रोगनी नान बनाने लगे, क्या बात है, जबरदस्त। अच्छा, यहाँ पर प्रॉन्स का साइज देखें ना, अच्छा साइज है, काफी अच्छा साइज है प्रॉन्स का। क्या बात है, जबरदस्त। ओ हो, यहाँ पे रिब्स तैयार होके आ गई हैं, माशाल्लाह तबारक अल्लाह, क्या बात। पिशावरी कबाब है, पिशावरी कबाब, ओ जबरदस्त, वो लेके गए भैया। ये रेशमी कबाब तैयार हो गए हैं। यार उस्ताद, मैं किचन में आता हूँ तो कबाब ज़रूर ट्राई करता हूँ, थोड़ा तोड़ के दें, मैं हाथ नहीं मारना चाहता इसमें। भाई किचन विज़िट करें ना तो ये खाना पीना चलना चाहिए। कश्मीरी कबाब है, रेशमी, हाँ रेशमी, बिस्मिल्लाह। ओहो, मसालेदार पाकिस्तानी कबाब, मतलब वो अरबी कबाब नहीं है। इसमें अभी कितनी देर है भाई? 2-3 मिनट। भाई साहब, इस तरफ हमारी कढ़ाई बन रही है और उधर है बिरयानी, अभी बिरयानी खोलते हैं और आपको दिखाते हैं, क्या बात है, ओए होए होए होए, माशाल्लाह तबारक अल्लाह, हाँ, ये निकला है ना माल नीचे से, वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात, आए हाय हाय हाय, माशाल्लाह माशाल्लाह,
ये ज़बरदस्त बिरयानी। वाह भाई वाह, क्या खूबसूरत कलर निकल के आया है यार बिरयानी के ऊपर। रोस्टेड अनियन डाले हुए हैं, इसमें आलू डाले हुए हैं, सही कराची वाली बिरयानी बनी हुई है अंदर। इसमें हमें काफ़ी मसाले वगैरह भी नज़र आ रहे हैं। वाह भाई वाह, ज़बरदस्त कलर बहुत। चिकन शिशलेक, वाह भैया देखे ही जो है ना मुंह में पानी आ रहा है। ये है इसका सब्जी। हाँ जी, सब्जी के साथ जो मज़ा आता है ना इसका, क्या बात है। ये है फिश टिक्का। फिश टिक्का, वाह भाई वाह, क्या बात है, क्या खूबसूरत ये तैयार हुआ है फिश टिक्का, बहुत ज़्यादा। ये क्या बना रहे हैं भाई जान? गुंजन बुरानी है सर। क्या चीज़? गुंजन बुरानी। गुंजन, अभी भाई बना रहे थे गुंजन बुरानी। मुझे कुछ समझ नहीं आया, मुझे ये पता चला है कि बैंगन है और वो दही में डाले हुए हैं, ऊपर धनिया डाला जा रहा था। बैंगन फ्राई करके डाले हुए थे। जी सर। जी भाई जान, ये जलेबी बना रहा। जलेबी, अरे हाय 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 हाय, क्या बात है, ये आया मटेरियल जलेबी का, सुभान अल्लाह। ये बेसिकली आटा ही होता है ना? जी मैदा होता है। मैदा होता है, ज़बरदस्त। तेल गर्म हुआ हुआ है खुद। ये भाई जो शुरू में आप लोगों को चिकन कढ़ाई दिखाई थी, बिल्कुल तैयार हो गई है, ज़बरदस्त। इसका कलर देखें, क्या लाजवाब चीज़ बनी। अब इसको जो है ना यहाँ पर डालने लगे हैं। क्या माशाल्लाह माशाल्लाह, तैयार है अभी ये? तैयार है। क्या बात है, ज़बरदस्त। ले हैं भाई इसको बाहर। क्या बात है, अभी इधर से तैयार हो गई है। हैं जी भाई। शीरा में? शीरे ही। शीरे में? सीधे शीरे में। शीरे से कितनी देर बाद निकालेंगे? बस तैयार है। तैयार है भाई। क्या ज़बरदस्त इसका ना कलर निकला है, गोल्डन, एकदम गोल्ड की तरह बन गई है। यार ये जलेबी देख के मेरे से रहा नहीं जा रहा, थोड़ा सा मुझे तोड़ के दें वो ग्लव्स के साथ। हाँ ग्लव्स के साथ तोड़ के दें थोड़ी सी। भाई साहब गरम गरम जलेबी, जलेबी गरम गरम खाने का अपना मज़ा है। चलें जी, किचन विज़िट कर लिया, बड़ा ज़बरदस्त, बहुत साफ़ सुथरा, और ख़ास तौर पे देसी खाने बने हुए। आपको पता है बारबेक्यू, कढ़ाइयाँ वगैरह, बिरयानी, आय हाय हाय, साथ साथ श्रिम्प्स भी और फिश वगैरह थी साथ में, और गरम गरम जलेबी, बहुत ज़बरदस्त। और अब हम लोग यहाँ पर बूफे की कितनी आइटम्स, क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं ये सारी देखते हैं, और अपनी प्लेट वगैरह भी बनाते हैं और चलते हैं खाते हैं। चलें ज़रा मेन्यू दिखाएँ हमें। ये हमारा चिकन कॉर्न सूप है, ज़बरदस्त। ये सॉसेज हैं, स्पेशल सॉसेज। ग्रेट। ये हमारी जो है फ्राइड फिश और फ्राइड प्रॉन्स है, ये स्पेशल हमारी जो है लंच के अंदर होती है। हालांकि लंच की प्राइस आपको पता है हमारी कम है, उसके बावजूद हमने ये रखी हुई, और ये फ्रेश प्रॉन्स है, डेली फ्रेश प्रॉन्स आते हैं। और उसके साथ ये इसकी स्पेशल सॉस है जो कि फिश और प्रॉन्स के साथ बहुत लजीज लगती है। ये चिकन बिरयानी, और आपको पता है चिकन बिरयानी तो वैसे पॉपुलर है। ये हमारा काबली पुलाव है। ये मटन में होता है, ये चिकन में होता है? ये बीफ के, बीफ के अंदर होता है काबली पुलाव, काबली और चिकन बिरयानी होती है। चिकन बिरयानी इसके अलावा वेजिटेरियंस के लिए आलू ज़ीरा और खट्टे बैंगन, ज़बरदस्त। इतनी वैरायटी है हमारे पास ना कि आप बस देखते हैं। इस चिकन कढ़ाई, ठीक है, ज़बरदस्त। यानी कि हमने रखी भी इसको कढ़ाई में, इसीलिए है ना, हाँ, ताकि वो अपनी फील दे, पूरी फील उसका अपना दे, और कढ़ाई देख के आप पहले ही आए चिकन कढ़ाई। ये जिसको स्पाइसी फिश खाने के शौकीन लोग हैं ना, उसके अंदर हमने हॉट एंड स्पाइसी फिश रखी हुई है, ठीक, कि आप जो है सी फूड जितना इंजॉय कर सकते हैं करें। ये जो है हमारी डिनर के अंदर, ओके, ये डिनर की आइटम है हमारी, जो फिश होती है हॉट एंड स्पाइसी फिश, लेकिन डेली होती है, आप डेली आए डिनर में एंजॉय कर सकते हैं हमारी हॉट एंड स्पाइसी। ज़बरदस्त। ये हमारा चिकन पास्ता है कि आप आए, लेकिन बच्चों के लिए बाहर से कुछ ना ले, हमने चिकन पास्ता उनके लिए स्पेशल रखा हुआ है, ज़बरदस्त, और वो उसको एंजॉय कर सकते हैं। मैंने कहा ना कि यानी कि आपने यहाँ आना है, हर चीज़ आपने खानी है, ज़बरदस्त। हमने मेन्यू में सब कुछ कवर किया है, बीफ निहारी, आप आए डेली हमारी बीफ निहारी एंजॉय करें। तो ये स्पेशल बटर चिकन है, ज़बरदस्त, ठीक है, ज़बरदस्त। और उसके बाद हमारे दाल तड़का है, और अमेजिंग दाल तड़का, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। ये वाइट राइस विद चिकन फाशली, बारबेक्यू टुनाइट, और बारबेक्यू, हाँ, ठीक है ना, अब बारबेक्यू स्टार्ट है। ये हमारे जो है रिब्स हैं, डेली आप रिब्स इंजॉय करें। अगर आपका डेली रिब्स खाने का मूड है, आप डेली आए, डेली रिब्स खाएं हमारे पास डिनर में, और जितने मर्जी खाएं, मजे की बात है, कोई रोक टोक नहीं है, आपने जितने रिब्स खाने आप खा सकते हैं, ठीक है ना। जो बीफ लवर्स हैं उनके लिए बीफ कबाब भी हमने रखे हैं, कि आप चिकन के साथ बीफ भी ट्राई करें, मटन्स भी रहें, सारी वैरायटी है। फ्राइड फिश खानी है वो भी है हमारे पास, फिश टिक्का खाना है वो भी है, हॉट एंड स्पाइसी फिश खानी है वो भी है, फ्राइड प्रॉन्स खाना है वो भी अनलिमिटेड, कोई आपको नहीं कहेगा कि आप रुक जाएं, आपने जितना खाना है आप खा सकते हैं। और ये हमारे स्पेशल नान, इसमें हमने दोनों किस्म के रखे हैं, प्लेन भी है
और रोगनी नान भी है। मीठा आए और गुलाब जामुन ना हो ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है ना। तो हमारे पास गुलाब जामुन भी है और जलेबी भी है, ठीक है। ये हमारा जो है डेजर्ट एरिया है, ठीक है। इसमें शुगर फ्री हलवा हो गया, फ्राई टुकड़े, कैरामल सैलेड है, सारी सॉसेज है हमारी, हुमस है, रशियन सैलेड, ये सारी आइटम्स हैं, ठीक है। और जब इतना आप खा लें उसके बाद हमने ग्रीन टी भी रखी है आपके लिए। अच्छा, मतलब आखिर में जो है ना अपनी डाइट का भी ख्याल रखें। अपनी डाइट का भी ख्याल रखें। क्या बात है यार, ये जबरदस्त आइटम है। चल ठीक है यार, बहुत ज्यादा आपने खा लिया, अब थोड़ा सा उसको नीचे उतार लो, थोड़ा सा ऊपर से ना उसको हजम करने का कोशिश करो। जबरदस्ती है। अच्छा जी, यहाँ पर ये जो मेन हॉल है ना, ये बड़ा जबरदस्त है। यहाँ पर खास तौर पे आप दोपहर के टाइम आके और बैठे तो बड़ा जबरदस्त, आप ना शीशे के पास बैठ सकते हैं वहाँ पर टेबल लेके, और वहाँ पर उस जगह को एंजॉय कर सकते हैं। बाहर रोड नजर आता है और डे लाइट भी बड़ी ज़बरदस्त यहाँ पर पड़ रही होती है। उसके अलावा यहाँ पर छोटे छोटे कैबिन्स बने हुए हैं, अगर कोई फैमिलीज़ के साथ आता है और बिल्कुल सेपरेटली अपनी फैमिली के साथ बैठना चाहता है तो इन कैबिन्स में बैठ सकता है। ये भी एक बड़ी ज़बरदस्त अच्छी जगह बनी हुई है और ओवरऑल माहौल यहाँ पर बहुत खूबसूरत और बड़ा बहुत शांत है, बहुत मज़ेदार है। बारबेक्यू टुनाइट आप घर बैठे भी इंजॉय कर सकते हैं। हमारी सारी आइटम हंगर स्टेशन पर अवेलेबल है। और आप लोग के लिए गुड न्यूज़ है कि अब हम आपको ऑफिस में भी डिलीवर करें। ऑफिस में बैठ के है? जी ऑफिस का। अगर आप ऑफिस में बैठ के अपना लंच एंजॉय करना चाहते हैं तो आपने हमारे पास आना है। हम आपके स्पेशल आपको आपके सारे स्टाफ के लिए स्पेशली आपको बॉक्स बना के देंगे कि आपको डिलीवर भी करेंगे हम और स्पेशली आपको बना के भी देंगे, ठीक है। तो उसके लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, हम आपको अच्छे से अच्छी डील बना के देंगे आपके ऑफिस में डोर स्टेप के ऊपर। चलें जी, हमारा ऑर्डर यहाँ पर लग चुका है, बल्कि ऑर्डर नहीं है, हम लोगों ने खुद ही अलग अलग हर चीज़ मंगवाई है ताकि हम लोग ना हर चीज़ आराम से ट्राई कर पाएँ, एक ही प्लेट में हर चीज़ मिक्स ना हो, और दोबारा हम लोग उठना भी नहीं चाहते इस वजह से भी कुछ, ताकि यहीं से ही ले लें। ठीक, क्या रिकमेंड करेंगे सबसे पहले? मेरे ख्याल में शुरुआत जो है फ्राइड प्रॉन्स से करें, ताकि बड़ी हुई थी, ठीक है ना। ठीक ठीक, तो इससे आप शुरुआत करें। ज़बरदस्त, ठीक है ना। अच्छा जी, ये सॉस है, इन्होंने ये सॉस हमें दिया है, स्पेशल सॉस है कि ये फ़िश और प्रॉन्स के साथ ये वाला सॉस इस्तेमाल करते हैं, तो ये वाला बड़ा स्पेशल लग रहा है मुझे। ये सबसे पहले देखें, प्रॉन्स से ही शुरू कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, ले आप भी प्लीज़। इसमें ज़बरदस्त मीठा स्पाइसी सॉस है, बहुत ज़बरदस्त। असल में ये ऐसी चीज़ें हैं इनसे हाथ रुकता नहीं है फिर। और प्रॉन्स तो जितने भी पड़े हों बंदा उठा उठा के खाता है। सेम चीज़ हम लोग फिश भी सेम सॉस के साथ ट्राई करें। सॉस बहुत कमाल है, ख़ास तौर पे प्रॉन्स की बात की जाए तो प्रॉन्स का साइज़ भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। भाई को मैंने कहा है कि मुझे कंपनी दो, तो इस वजह से फिर भाई ने भी ज्वाइन कर लिया मुझे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। चलें जी, दाल से ही हल्के से आते हैं इस बार, ठंडे से। आपको पता है गोश्त खाने वाले दाल से दूर भागते हैं। और हमारी दाल की स्पेशलिटी ये है कि जो गोश्त खाने वाला है जब दाल खाता है वो खाता ही रहता है। अच्छा जी, तो ये आपने ज़रूर बताना है कि दाल कैसी है हमारी। ज़बरदस्त। और रोगनी नान हो आपके पास तो फिर और कुछ आप उठा नहीं सकते, तो रोगनी नान के साथ पहले। बड़ा ज़बरदस्त फ्लेवर है इसमें, ज़ीरा वगैरह मुझे नज़र आ रहा है इसमें, और फ़ौरन से ना वो पंच मिला है क्योंकि यहाँ पर हब्बा सौदा कुलवंजी लगी हुई है नान के ऊपर और साथ में ज़ीरा। बड़ा ज़बरदस्त एकदम से खुशबू दी है दाल ने ना इस नान के साथ खास तौर पे। अब बटर चिकन ट्राई करते हैं, फुल देसी टेस्ट है ना, स्पाइसेस ऐसा रखा हुआ है और बिल्कुल टेस्ट ऐसा रखा हुआ है कि कोई भी नेशनलिटी का इसको इजीली यानी कि एंजॉय कर सकता है। मतलब वही अपना देसी टेस्ट वाली फुल वाइब आती है जी, बिल्कुल जबरदस्त। आलू ज़ीरा पाकिस्तानी डिश है जी। अच्छा, बहुत ज़बरदस्त, वही ज़ीरा ऊपर फुल आलू और ज़ीरा नज़र आ रहा है। आलू ज़ीरा बिल्कुल एक लाइट ऑप्शन है, अगर किसी को ज़्यादा स्पाइसेस से मसला हो तो आलू ज़ीरा एक बड़ा ज़बरदस्त ऑप्शन हो सकती है उसके लिए। यहाँ पे मैंने कड़ी पकौड़ा ले लिया हुआ है और इसे ट्राई करते हैं। बिस्मिल्लाह, कड़ी पकौड़ा भी बहुत अच्छा बना हुआ है। थोड़ा सा सैलेड खा लूँ मैं, ये सैलेड के ऊपर डिप सर रुमान डाला हुआ है जी, जो एक सॉस होता है जी, जी बिल्कुल अनार सॉस जो आता है ना वो है, उसका फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। हाँ, बहुत अच्छा पुश करते हैं फ्लेवर को। ये निहारी का लेवल देखें ज़रा, ये देखें, और निहारी ही की साइड पे कढ़ाई मुर्गी हमारी। अब निहारी जो है वो नान के साथ नहीं, ये सादा नान के साथ, सादा नान जी। निहारी के ऊपर लेमन आना चाहिए, आपके मुंह में पानी आ रहा होगा देख के नाजरीन के, लेकिन क्या करें, माशाल्लाह बढ़ दें। बिस्मिल्लाह,
ओहो, वैसे भी मैं निहारी लवर हूँ। तो आपको तो सही टेस्ट का अंदाजा हो रहा होगा। बहुत जबरदस्त मज़ेदार। ये हमारा कढ़ाई मुर्गी का निवाला आ गया, बड़ा ज़बरदस्त। हरी मिर्ची साथ में आ रही है पूरी, अल्लाह खैर करे। कढ़ाई मुर्गी बहुत ज़बरदस्त, मसालेदार। इसका अपना जो तरी बनी हुई है ना, बहुत ज़बरदस्त। मतलब अपनी जो ग्रेवी बनी हुई है बहुत लाजवाब, फ्लेवरफुल। और इसमें मिर्ची बराबर है। अच्छा, मैंने मिर्ची ज़्यादा साथ में ली है। बिल्कुल, वो मिर्ची डालते इसीलिए कि किसी ने स्पाइसी खाना है तो वो उस मिर्ची का जो है वो फ्लेवर ले सकता है। बहुत मज़ेदार। चलें जी, हमारे पास बारबेक्यू आ गया इस टाइम पे, और सबसे पहले चांप। अगर चांप होगी सामने तो मैं बिल्कुल चांप की गुस्ताखी नहीं कर सकता कि चांप को बाद में खाऊं। और इसको बिल्कुल अपना देसी स्टाइल में खाने का ही मज़ा आना है। बहुत ज़बरदस्त गली हुई है, देखें ना, मतलब उतारते ही फौरन चली गई। सिर्फ इसका टेस्ट देखें, जो यानी टेस्ट, जो ऊपर जो इसका सॉस लगा हुआ है, हल्का सा उसमें खट्टा है 19-20, और साथ में दूसरे काफ़ी ज़बरदस्त फ्लेवर मिल रहा है। उसका फ्लेवर वैसे ही इतना ही स्पाइसी रखा हुआ है कि हर कोई इसको जो है ना इंजॉय कर सकता है। एकदम से खाते ही ना दिल किया कि और ज़्यादा चलता जाए। बिल्कुल, इसीलिए कहा ना, आए अनलिमिटेड रिब्स खाएं, कोई आपको नहीं रोकेगा। बिल्कुल। वैसे ये डिनर डील कितने की और लंच डील कितने की? डिनर डील जो है वो हमारी 76 की है और लंच हमारी 66 की है। जबरदस्त। और अभी ईशा नहीं हुई, फिर भी माशाल्लाह काम जो है ना यहाँ पर ठीक ठाक, ज़बरदस्त कस्टमर्स, काफ़ी ज़्यादा टेबल्स लगी हुई हैं माशाल्लाह तबारकअल्लाह। और बिल आखिर आ गए हम लोग चावलों की तरफ। सबसे पहले पुलाव, फिर मेरी मोस्ट फेवरेट बिरयानी। बीफ में पुलाव बना हुआ है, ऊपर किशमिश डाली हुई है, साथ में गाजर डाली हुई है। कलर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, और ये यखनी पुलाव लग रहा है। गोश्त साथ में, ये पूरा जो ऊपर मटेरियल डाल के आप खाते हैं ना, साथ में चावल बहुत ज़बरदस्त जूसी हैं, बिल्कुल ड्राई नहीं है, तो ये बड़ी अच्छी बात है इस पुलाव की। अब आखिर ही आ गई बिरयानी की बारी, और शक्ल से बहुत ही खूबसूरत बिरयानी है यार। देखें, साथ में आपका आलू डाला हुआ है, इसमें चिकन है, ऊपर रोस्टेड अनियन डाले हुए हैं, और कलर देखें आप, बहुत ही खूबसूरत कलर। और इसको जाने लगे बिस्मिल्लाह, बिरयानी बहुत ज़बरदस्त यार माशाल्लाह। वैसे ही मैं बिरयानी लवर हूँ, लेकिन ये बिरयानी बहुत ज़बरदस्त। इसमें थोड़ा सा कढ़ाई मुर्गी डालें बिरयानी के चावलों के ऊपर, तो इस तरह के काम आप ज़रूर किया करें, ये बहुत अच्छे होते हैं। आप भाई को याद करेंगे और अपनी बाइट बना के इंजॉय करें। देखें, कढ़ाई मुर्गी के साथ क्या बात है, बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर जब आप मिक्स करके खाते हैं ना जी, बड़ा मज़ा आता है। यहाँ पे भैया हमारे पास दो तरह के मीठे हैं, एक कस्टर्ड और एक गुलाब जामुन। चलें जी, सबसे पहले कस्टर्ड। हाँ हाँ हाँ, मज़ेदार। और गुलाब जामुन गरम गरम होता है यहाँ पर, ताज़ा, तो गरम गरम गुलाब जामुन खाने का एक अपना ही मज़ा है। इसमें यार कस्टर्ड जितनी भी महजब हो जाए ना हमारे सामने, गुलाब जामुन बहुत ऊपर है। अभी एक भाई उधर ना पैदल चल रहे हैं और खा रहे हैं साथ। बुफे जहाँ पे होते हैं ना, ये चीज़ें बड़ी बिल्कुल ज़बरदस्त। पता नहीं अब उनकी क्या सोच है कि चलते रहो साथ साथ, थोड़ा सा हजम हो जाए, एडजस्ट हो जाए जगह और माल डालने का। आप लोग जब भी बुफे पे आए ना, हमेशा बारबेक्यू थोड़ा लें, वो खा लें, फिर जाके और लें, तो खाना जितना गर्म रहेगा उतना आप लोग ज़्यादा इंजॉय करेंगे, और ख़ास तौर पर बारबेक्यू बिल्कुल फुल गर्म मज़ा देते। अब भाई हमारे पास मिंट मैगरेटा मेरे लिए, और भाई ने मंगवाई है लस्सी। लस्सी क्या बात है, पंजाब वाले मिंट मैगरेटा और कराची वाले लस्सी। हाय हाय, ठंड बढ़ गई उस्ताद जी। चैलेंज जी, खाना खा के बहुत मज़ा आया। अब हम लोग जूस एंजॉय कर रहे हैं, और क्या बता रहे थे, कैटरिंग सर्विसेज भी अवेलेबल है। अगर आपने अपने इवेंट है, अपनी शादी का, अपने घर का कोई भी इवेंट है, आपने हमारे साथ कैटरिंग करवानी है, तो वो भी सर्विस अवेलेबल है, हम कैटरिंग भी प्रोवाइड करते हैं। सही सही सही। अभी भाई से मैं बिरयानी की बात कर रहा था, क्योंकि मैं साथ लेके जाने वाला हूँ। तो भाई ने कहा कि अभी बिरयानी जो है ना, एक स्पेशल भी बन के जा रही है, किसी का कोई इवेंट है, पार्टी वार्टी है, तो वो लोग बिरयानी भाई इन लोगों से ही बनवा रहे हैं, मतलब बारबेक्यू टुनाइट से। तो ये बड़ी अच्छी बात है। ऑफर्स आपकी, लंच ऑफर 66 रियाल और डिनर ऑफर आपकी है 76, राइट? 76 डिनर, 76 और लंच 66। बिल्कुल, तो आप आ सकते हैं। डिनर में सिर्फ दो या तीन डिशेस ज़्यादा हैं
जी जी ऐसे ही है ना जी बिल्कुल, उसके अंदर आपको जो है एक्स्ट्रा रिब्स मिल जाते हैं, हॉट एंड स्पाइसी फिश मिल जाती है, आपको आइसक्रीम मिल जाती है, ये एडिशनल होती है हमारे उसके अंदर डिनर के अंदर। और डेली आप जो है वो सी फूड इंजॉय कर सकते हैं हमारे यहाँ पे, खास तौर पे जद्दा जो है ना सी फूड के हवाले से काफी फ्रेश प्राउन्स, यानी कि आप आए फ्रेश फ्राइड प्राउन्स इंजॉय करें विद स्पेशल सॉस हमने आपको दिखाई, तो आप वो इंजॉय कर सकते हैं डेली। बहुत अच्छे चैलेंज जी, थैंक यू सो मच, खाना खा के बड़ा मज़ा आया। अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, नीचे कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और एक बार बारबेक्यू टुनाइट ज़रूर विज़िट करें, आपको मज़ा आएगा। और जब फुल भूख लगी हो ना तभी हैं आप, इधर बस खा जाएं जितना दिल करें। तो मज़ीद मेरी वीडियोज़ देखने के लिए आप यहाँ पर साइड पर क्लिक कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ पर क्लिक कर दें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सर, थैंक यू।